देह एक वर्तमान समय का कलंक है। इस कलंक को धोने का कार्य करने वाले हमारे सभी देह विरोधी क्षत्रिय संघ के सभी कार्यकर्तागण, अध्यक्षगण, महिला गण के अध्यक्षगण, प्रदेश अध्यक्षगण, युवागण और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में आदरणीय गणपत सिंह जी, महेंद्र सिंह जी जान लीजिए तो अपना संपूर्ण जीवन इस कार्य को समर्पित करने में लगाया है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे साथ में हनुमान का कार्य करने वाले हमारे आदरणीय देवेंद्र सिंह जी शेखावत, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आप सभी जितने भी मंच पर विराजमान है, आप सबके एक नई ऊर्जा है, एक नई शक्ति, एक नई चेतना है। उन सभी को प्रणाम करते हुए आपके भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, जन्म तो सभी का होता है पर जीवन कुछ ही लोग बना पाते हैं। जीवन को बनाना यह मनुष्य की अंतस्करण से निकली गहराई है, सोच है। इस संसार में हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग चले जाते हैं, और कुछ लोग संसार में आकर के अपना नाम या कीर्ति, अपना वैभव एक समाज पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इस संदर्भ में ऐसी करनी कर चलो हम हंसे लगे हुए, ये कुछ सिद्धांत का कार्य करने वाले कुछ ही लोग हो पाते हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं। उसमें से आदरणीय जिन्होंने इस ये विचार पूरे समाज को दिया कि समाज से दहेज मुक्त होना चाहिए, शादी करें तो दहेज मुक्त करें, क्योंकि दहेज एक समाज का अभिशाप है। ये क्षत्रिय समाज की बात नहीं है, संपूर्ण मानव जगत के लिए दहेज अभिशाप है। जहां भी मानव जाति बसती है, जहां पर ऐसा लेन देन भी होता है इस प्रकार से, तो एक बहुत बड़ा समाज में एक कलंक का टीका है। इस कलंक के टीके को धोने का कार्य आप सभी लोगों ने बीड़ा उठाया है। और मेरा एक मानना है, देखिए, यत्र नारेस्तु भुज्यन्ते भवन्ति तत्र देवता, यत्र नास्तु भुज्यन्ते समाधिका प्रदान क्रिया। जहां नारी शक्ति आगे आ जाती है, क्योंकि नारी को भगवती चामुंडा का स्वरूप माना जाता है, देवी का स्वरूप माना जाता है, शक्ति का स्वरूप माना जाता है। अब नारी शक्ति स्वर्गों पर आकर के एक इस विचार धारे की पूरी मुहिम पूरे भारत वर्ष में जब जाएगी, तो मैं समझ सकता हूं कि नई चेतना वापस तुम्हें लौटेगी। और एक दिन ये समाज जिसको सत्य समाज के रूप में पूरा विश्व जानता है, ये दहेज मुक्त होगा। और हम लोग सभी को हमारा जो मिशन है, इस मिशन में हम सब लोग कामयाब होंगे। ये समाज की बहुत बड़ी एक हमारे सामने समस्या खड़ी है। पहले कुछ लोगों ने संगठन चलाया कि नशा मुक्त समाज होना चाहिए, और आज भी नशा मुक्त के समाज के संगठन कई पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। मैं स्वजाति बंधुओं आप लोगों से निवेदन करूं कि मुझे पूरे भारतवर्ष में जाने का मौका मिलता है, जगह जगह जाने का मौका मिलता है, बड़े बड़े उद्बोधन करने का मौका मिलता है। तो मैं जगह जगह देखता हूं कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कोई शिक्षा के लिए काम कर रहा है, कोई नशा मुक्ति के लिए काम करवा रहा है, कोई रोजगार के लिए काम करने की प्रेरणा दे रहा है, कोई एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रहा है। पर एक ऐसा संगठन जिसमें वास्तविक जो बेटा बेटी बड़े जब हो जाए तो माता पिता को चिंता होती है कि विवाह कहां करेंगे, सबसे बड़ी जवाबदारी है। और विवाह जब घर में सबसे बड़ी हमारे समस्या बनती है, बेटी अच्छी पढ़ी लिखी पर अच्छा वर नहीं मिलता, उसके लिए सबको चिंता रहती है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सबको जोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी की यात्रा करें, भारत जोड़ो की यात्रा पता होगा शायद आपको। पर मेरा मानना है कि गणपत सिंह जी ने और हमारे महेंद्र सिंह जी ने ये एक समाज को जोड़ने का काम किया है। आप रिश्ते जुड़ेंगे, परिवार जुड़ेगा, घर समृद्ध बनेगा। और जो रिश्ते जुड़ते हैं तो वो रिश्ते सदियों तक रहते हैं। बंधुओं, ये बहुत सुंदर पवित्र कार्य है। मैं वास्तव में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आपके हृदय के अनंत गहराई से आपको आशीर्वाद देता हूं कि हे भगवती, ये हमारे जो कार्य, ये शुभ संकल्प आगे बढ़े। और पूरे राजस्थान भर में टीम तैयार हुई है, मध्य प्रदेश में पूरी टीम तैयार हुई है। अभी हमारे ये संपादक महोदय यूपी से बता रहे हैं, आप मुझे बता रहे थे कि मैं भी संघ से जुड़ा हूं, ये आश्चर्य की बात है। देखो, जब भी कोई नया कार्य होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जुड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि ये भी एक राष्ट्र का यज्ञ है, ये भी एक समाज का यज्ञ है। इदं राष्ट्राय इदं नमः, हमारा जीवन अब प्राण देने की जरूरत नहीं है, समझ लो, अब सर कटाने की जरूरत नहीं है। एक तो जमाना था सर कटाने की जरूरत पड़ती थी, महाराजा जयमल के समय, महाराणा प्रताप के समय, बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों का आहुत कर दिया। पर आज उस सर कटाने की जरूरत नहीं है। पहली बार हमें
वर्तमान समय में जो समाज की कुरूतियां है, आज लाखों रुपए शादी निगम बर्बाद हो जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब बड़े बड़े मंचों पर शादी की बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है और बाहर से बुला करके महिलाओं को नचाया जाता है और फिर वो बोतलों पर पैसा लगाया जाता है, मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या हमारा समाज था? अरे ये राम का समाज, जिस कुल में राम पैदा हुए, जिस कुल में कृष्ण पैदा हुए, बुद्ध महावीर जैसे तपस्वी जिस कुल में पैदा हुए, दुर्भाग्य वो समाज का है कि आज वो शराब की बोतलों के पीछे नाच रहा है। शर्म आनी चाहिए हम सब लोगों को। हमें संकल्प करना होगा, हमें संकल्प करने की महत्व आवश्यकता है कि एक तो पूरी दुनिया राम अगर 2500 करोड़ रुपए का मंदिर बनाई जा रही है और आज राम के वंशज जो राठौर वंश चंद्र वंश शिशोरी वंश जो लोग इस प्रकार शराबों पर नाच रहे हैं, ये हमें शोभा नहीं देता। वो नाच में आपका पिता भी होता है, नाच में आपके दादा भी बैठा होता है, दूसरे महिलाओं के लिंग में आपकी पत्नी भी होती है, आपकी माँ भी वहां होती है और इस प्रकार के ये गंगा नृत्य की ये शोभा नहीं देता आप सब लोग। ये मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है, हो सकता है मेरी बात से समर्थन नहीं करेंगे, पर ये हमें शोभा नहीं देता। हमारा दायित्व ये है कि हम सब लोग मिलकर के जैसे स्वच्छ भारत का अभियान चलाया मोदी जी ने, महात्मा गांधी की विचारधारा को मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमें नशा मुक्त समाज बनाए, दहन मुक्त समाज बनाए और जो भी हमारी जीवन कुरूतियां हैं, आप बाड़मेर जैसे में जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहां अमन की बड़ी भारी एक उनके सामने अभिशाप पड़ा हुआ है। मर जाए तो अमन, शादी हो तो अमन, मतलब चुनाव के समय तो होता ही है, पर ये मतलब इस प्रकार से लोग करंट में डूब जाते हैं, उन्हें जमीनें बेचनी पड़ती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन होगा, हृदय के अनंत गहराई से प्रार्थना होगी कि आप सब लोग संकल्पित होकर के ये दहेज के लिए आपको जगह जगह प्रयास करना है और शिक्षा पर विशेष समय ध्यान देना है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि जो शिक्षा का जितना दूध पिएगा उतना जोर से बहाएगा। आज वर्तमान में लिखने की ताकत को बढ़ाना होगा, हमारा समाज की दिशा में जा रहा है, ये वक्त दुर्भाग्य है, सोचने का समय है। आज नेता समाज का भला नहीं कर सकता, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वो तो वोटों की चोट और वोट लेकर अपने घर पर लौट जाएगा, 5 साल बाद फिर आपको पूछेगा कि जिंदा हो या मरे हो। इसलिए हम सभी को चाहिए, आप सोचो कि नेता समाज को सुधारेगा नहीं, समाज सुधारने वाले कार्यकर्ता गण जो धरती से जुड़े हैं, लेकिन जमीन से जुड़ने जो कार्य करते हैं, जैसे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, जैसे हमारे बहुत सारे संगठन हैं, क्षत्रिय संघ भी काम कर रहा है संगठन के अंदर, चलनी सेनाएं भी काम कर रही है, समाज में सब चीज की जरूरत होती है बंदों। जैसे आप बगीचे में जाते हैं, लाल पुष्प भी होता है, काला भी होता है, गुलाबी भी होता है, इसी प्रकार नवरंग हमें ये एक तरह का गुलदस्ता चाहिए जिसमें समाज की स्वर्णिम आभाएं छुपी हुई है, बस हम सब लोगों को मन बनाने की महत्व आवश्यकता है। युवा लड़कों से मेरा आह्वान होगा कि ये नाना प्रकार की जो सोशल मीडिया, माउथ मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज हमारी घर में बहन बेटियों के फोटो नाचते हैं सोशल मीडिया पर, हम लोग लगा रही है, हम शर्मिंदगी होने चाहिए, विचार आना चाहिए हम लोगों को। हमें मॉडल बनने की जरूरत नहीं है, काम फोकस सुनो सब लोग, हमें मॉडल बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इस भारत को सींचने के लिए खून के नदियां बहाई थी, बंधुओं ने प्राणों का आहूत किया है, हम लोगों का आज जो सम्मान और जो उज्जत प्रतिष्ठा हो रही है उन पूर्वजों की देन है, जिस कारण से आज हमें मान सम्मान मिल रहा है। इसलिए हम हमारी संस्कृति को बचा के रखें, हमारे संस्कारों को बचा के रखें और अपनी अस्मिता पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि कबीर का सिद्धांत है कि स्टिच उन्हीं का लगता है जो है तो जीवन राष्ट्र समाज के लिए कायम आए हो। आज महाराणा स्टिच जगह जगह देखा होगा आपने, दुर्गादास राठौर का स्टिच गांव गांव ढाली ढाली पर देखा होगा, पार्लियामेंट में भी यहाँ स्टिच लगे महापुरुषों के, क्योंकि राष्ट्र को बनाने में एकता उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज वर्तमान का समय विचित्र है, आपको तोड़ने का काम किया जा रहा है, आपके इतिहास की चोरी की जा रही है, पता नहीं क्या क्या कुठाराघात आपके साथ में हो रहा है, पर आप इतने ढीले होकर के बैठे हो कि आपको कोई लेना देना नहीं। आप सोचते हो मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बस मेरा अपना जीवन चला जाएगा, नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें सबके लिए सोचना है। शक्ति का मतलब यही है, पहले अपने भाई की सोचो, फिर हमें पड़ोस की पंचायत भी करनी चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन होगा, भाई भाई एक बन के रहे, आपकी ताकत संगठन बढ़े चलो, स्वतंत्र पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो, जहां समाज की बात आती है वहां आप लोगों को एक होना चाहिए। और वेद कहता है संघ छत्वम संघ मदध्वम संघे मनांसि वजानताम, हम साथ साथ रहें, साथ साथ चलें, और जब कोई संकट की घड़ी आए तो हम एक होकर के
उसका मुकाबला करे, यही वास्तव में शक्ति का लक्षण है। आज वर्तमान का समय नहीं, कहा है तलवारों का युग नहीं है, आज वर्तमान का समय है कि हमें हमें हमारी बुराई से लड़ना होगा। और यही एक बहुत बड़ी बुराई है जो हमें एक बेटी को पिता बड़ा करके पढ़ा लिखा कर उसे योग्य बनाता है, और एक दूसरा पक्ष करोड़ों रुपए उसे मार देगी दिखंगा पद के अधिकारी पद के, ये भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। बंधुओं, ये शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, परंतु क्या करें, मजबूरी ऐसी हो जाती है कि पिता को सब कुछ बेच करके गांव पर लगाना पड़ता है। इसलिए आपको पता होगा कि राजा राम ने का जब विवाह हुआ महाराज जनक ने उनसे आग्रह किया दशरथ जी से कि आप कुछ और हम कुछ भेंट करना चाहें तो आप हमें बता दीजिए, कुछ विवाह में कमी रह गई हो। तो महाराज जनक खड़े होकर कहते हैं, जनक सीता के पिता हैं, वो खड़े होकर कहते हैं कि आपने कन्या को दे दिया है, इससे बड़ा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा सौभाग्य है, भाग्य नहीं सौभाग्य है हमारा, और हम लोगों को तो बहुत सुंदर गाड़ी चाहिए, हम लोगों को रह जरूर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी होटल चाहिए, प्रॉपर्टियां चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, भैया प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको संकल्प करना होगा। बेटियों से मेरा विशेष आह्वान है, आप लोगों से विशेष मेरी प्रार्थना होगी कि जो जो लड़की के पिता इस प्रकार की डिमांड करते हैं, चाहे जीवन भर कुमारे रह करके वीरा जैसी भक्ति कर लेना, पर वापस विवाह द्वारा नहीं करना। सभी आपकी बहनी होगी आगे बढ़ेगी बदलो, क्योंकि ऐसे में तटस्थ निर्णय लेने पड़ेंगे। आज हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर किस प्रकार जा रहा। परसों में जोधपुर में था राव शेखर की जयंती थी, वहां पर हमने देखा कि कम से कम 100 बच्चों का सम्मान हुआ, प्रगति उन्हें प्रशंसा पत्र दिए गए शिक्षा के स्तर पर काम करने पर, किसी के 90% कोई आर एस की तैयारी में सिलेक्ट हुआ। और जब लड़कों की बात है तो कम से कम लड़के 25 थे और पढ़े लिखे ज्यादा पर, जो उनका सम्मान हमने कुछ नहीं किया अपने हाथों से, तो समाज की दिशा में जा रहा नहीं है। देखिए हम कि लड़के पढ़ते नहीं है, पर जरा सा अपनी ऊर्जा को जरा सा ध्यान में लगाए, हम अच्छा बिजनेस में बनने का प्रयास करें, हम जरा सा अच्छा हो सके तो प्रशासनिक सेवा में जाए, हम शिक्षा के क्षेत्र पर काम करें। हमें सभी को चमकौर तरीके से काम करना होगा, तभी हमारा समाज समृद्ध हो सकता है। आपके तो साहब बढ़िया तो बहुत होशियार होते हैं, तो भैन तो आपके अंदर भी होगा कि नहीं, आपके अंदर भोजन तो आप भी करते हो ना, नस नाड़ियां तो आपके अंदर भी बह रही है, वही खून की धारा आपके भीतर वही उसके भीतर। पर हमारे हम लोग दिखावे में इतने बर्बाद हो गए कि हम बिजनेस की सोच कर नहीं सकते बंधुओं। इसलिए हम लोगों को चाहिए आज ही संगठन खड़ा करने की, इसलिए मेहनत की आवश्यकता है। हो सकता है कि संगठन 20 साल तक काम करेगा फिर जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सब लोग समझदार हो जाएंगे। आज आवाज इसलिए नहीं उठाते लोग क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या पता कल आज हम अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, महिला लिंग से बन गए। और मैं आप माताएं बुरा नहीं मानना, मेरी बहनें जितनी बैठी है, सबसे ज्यादा बहस की जी कोई इच्छा अभिलाषा यदि होती है ना तो इस तरफ से होती है, पुरुष लोग तो मानने में तैयार है, ये तो तैयार हो जाएंगे, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए कोई बात नहीं, पर मैं रसोई में ला करके इनके कपड़े मत फाड़ना, ये सोच लो बात करते। इसलिए आप लोगों से मेरा कर्तव्य निवेदन होगा कि माताएं इन्हें सबसे ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, हाथ का कान का पैर का नाक का पता नहीं क्या क्या, हम तो जानते नहीं बाबा को कहना, पर फिर बता देते हैं आप लोगों को ये सब चीज की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका जब संकल्प होगा तो पुरुष को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार से जो आप कार्य कर रहे हैं, मुझे परम विश्वास है मां भगवती पर और आप सब लोगों के पुरुषार्थ। जो 3 दिन का ये महायज्ञ चला, देखो यज्ञ की सफलता तब मानी जाती है जब बारिश आ जाए, समझ लो, तो आज भगवान बारिश की कमी है, यज्ञ की सफलता है। देखो आप 2 दिन से बरसात हो रही है, ये यज्ञ की सफलता है। और मैं आप सब लोगों का जो आप देख रहा हूं, मैं चेहरा दिव्य बीमारी ऊर्जा से भरे हैं, आप सभी लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा गुणी हो सकते हैं, हर प्रकार से मुझसे आप आगे होंगे, पर मुझे यहाँ पर पूरा कर आपने महान सम्मान एक भिक्षुक होने के नाते दिया है। मैं समाज का अग्रणी हूँ और आने वाले समय में कभी ईश्वर ने मुझे भूखा दिया, कभी मुझे ईश्वर ने ताकत दी, आप लोगों का सहयोग रहा तो जरूर इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इस संगठन को पूरे भारतवर्ष तक हम लोग लेकर के जाएंगे, हर जिला प्रांत तहसील राज्य तक हमारा संगठन पहुंचे, सेवा का कार्य करे। आप सभी लोग जो सुंदर कार्य कर रहे हैं, वैसे हमारे
पदाधिकारी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मैं जितनी प्रशंसा करूंगा मेरे बंधुओं, पर आशा करता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन इस जयपुर की धरती पर रखेंगे और उसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस कार्य के लिए मैं पहले भी आपके साथ में खड़ा था, आगे भी आपके साथ में खड़ा रहूंगा जब तक मेरे शरीर में श्वास रहेगा, अंतिम सांस तक आपके संगठन के साथ में रह सकते करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास। और आप सभी लोगों की भावनाओं के प्रति अनुरूप ये कार्य होना चाहिए और जिस कार्यक्रम में जिसने भी सहयोग दिया है, मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूँ। टेंट की व्यवस्था में, भोजन की व्यवस्था में, जो भी आप लोग आए हैं, दूर दूर से आप आ रहे हैं, मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है वो सब वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। सच्चा समाज का सच्चा क्षत्रिय होने का जो धर्म आप निभा रहे हैं, मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। एक बार सब मेरे साथ मिलकर जय घोष करेंगे, बोलिए जयकार।